नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके सामने एक बार और काजल मंगलमुखी। आज मैं जय माता मंदिर किन्नर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट प्रेसिडेंट कामिनी महंत चंडीगढ़ से मैं उनसे मिलने आई हूँ और उनसे अपना जो जिंदगी का इन्होंने जो बीता हुआ जो ज़िंदगी का अपने जो भी कुछ बातें हैं आज शेयर करना चाहते हैं। ये भी एक मंगलमुखी हैं, मैं भी एक मंगलमुखी हूँ, हम दोनों किन्नर समुदाय से बिलोंग करते हैं। चलिए आज इन्हीं के जिंदगी का जो भी जो बीता हुआ पल वो हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्ते कामिनी महंत जी, बहुत दिनों बाद मिली आपके पास। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मुझे इंटरव्यू लेते हुए, आज कुछ बातें शेयर करते हुए। बताइए, चंडीगढ़ में आके कितने साल हुआ आपको यहाँ आके, और आप अपनी जिंदगी का कुछ पल लोगों के सामने शेयर कीजिएगा। चंडीगढ़ में आकर पूरा 22 साल कंप्लीट हो गए। अच्छा अच्छा, 23वां साल चल रही है। वो तो है। हाँ जी। उसके पहले दिल्ली में थी। अच्छा, आपको पता है। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में थी, हर मौके में दुख भी आए। हाँ जी। सुख भी आए। हाँ जी। दुख काटने में बहुत कुछ सीखने के मिली, जितने दुख आए हर मोड़ पे कुछ सीखने के मिला। हाँ जी। रस्ते में जो काटा पड़ी है वो दुख है, वो हटाते रास्ता साफ करते करते यहाँ तक आ, वो भी आपका आँख का सामने। सही बात है, सही बात है। वो तो हमने अपनी आंखों के सामने देखी। ये कही है कि जो संघर्ष के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है। बचपन में तो हमें पता नहीं लगा अपनी आप का पहचानने का मुश्किल है। जैसे मर्जी वो जो गुस्सा कर रहे हैं वो गुस्सा कभी हम समझ नहीं पाते थे, प्यार कर रहे हैं उसका भी समझ नहीं पाए। जैसे डेरे में आए प्यार भी बहुत मिला है। पहले दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे मुझे अपनापन बहुत ज़्यादा मिला है। थोड़े दिन के बाद जो अपनी आप का पहचानने लगी तो दुख बहुत ज़्यादा हुआ। अपनी आप का जब जानने लगी उसके बाद बहुत दुख हुआ। उसके बाद दिल्ली में जो गुरुजी का डेथ हो गई, यहाँ पे जो माताजी है मुझे यहाँ पे लेकर आए, जो अपनापन प्यार बहुत कुछ दिया है। मेरी इच्छा थी बड़े ऑफिसर बनना, IAS बनना। उस टाइम में जो पीछे रह आते थे पढ़ाई करने का उतना मौका तो मिला नहीं है, उसी हिसाब से हमने जैसे कलेक्टर बनना है ये मेरा सोच थी, उम्मीद थी। देखिए फिर भी आजकल डेट में जो गवर्नमेंट जो साथ दे रही है, आगे जो हो रहा है उस टाइम में नहीं। मेरे जन्म है तमिलनाडु की है, आज तमिलनाडु में वकील भी है, पुलिस ऑफिसर भी है। गर्व बहुत होते हम उस दिन का मिस करते हैं। हमें आजकल जो गवर्नमेंट का साथ मिल रही है वो उस टाइम मिला होता हम भी उस लाइन में कुछ बनते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी हम कमी महसूस नहीं करते हैं, हमने एक रास्ता हम भटका नहीं है। आज जो धार्मिक लाइन में पूजा के लाइन में हमारा जो लाइन बना के हम उनसे भी कम नहीं है, इसलिए हमारा मन में खुश है। जो स्थान में बैठे पढ़ी लिख के कुछ बनना है, हम पढ़ाई नहीं किया, अपनी मेहनत एक जवान की प्यार उसी में हम यहाँ तक आए, धार्मिक लाइन में आई। रास्ता ही अलग है, दुख बहुत उठाए, प्रॉब्लम बहुत कुछ फेस किया, फिर भी वो दुख में हर मोड़ पे कुछ सीखने के मिला है। उसका दुख के रूप में मैं नहीं देखती हूँ, एक एक क्लास बच्चे पार करते बढ़ते हैं, ऐसे एक एक दुख का जगह में एक एक पढ़ाई के एक एक क्लास पार। सही बात है, जिंदगी एक पार्ट होता है, हर इंसान को कदम कदम पे कुछ सीखने को मिलता है। इंसान अपनी जिंदगी से या औरों की जिंदगी से देखे अपना जिंदगी सीखना जरूरी है, एक पार्ट लेना जरूरी है। जो हमारा दोनों दादी थी, हाँ जी, दुनिया का नजर में दोनों दादी अलग अलग है। हाँ जी। उनसे मुझे कुछ गहराई में कुछ सीखने का मिला है। हाँ जी। श्यामा दादी, प्रेम दादी जो, हाँ जी,
प्रेम दादी तो दादी नहीं है, मेरे तो नानी, नानी है। मतलब और... मैं कह रही हूँ प्रेम दादी जो है वो मेरी दादी है, वो मनी माजरे की है, वही चंडीगढ़ के भी, और जो श्यामा दादी है वो इनकी दादी है, जो प्रेम दादी जो है इनकी नानी भी लगती है, ताकि ये हमारे घर की बेटी भी है। हाँ जी, और उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है। दोनों माई ने बुजुर्ग ने बैठ के बात करने के टाइम एक शब्द हमेशा बोलते थे, हाँ जी, जो शुरुआत में वापस में दोनों को बना नहीं भी हो, उन्होंने दोनों अपने अपनी स्टेज में आने के टाइम बोलते थे, तेरे घर का मैं रखवाला है, मेरे घर का तू रखवाला है। वो गहराई, हमारा जो मुसीबत कोई प्रॉब्लम हो, उन्होंने आके बैठना, हमारा सवारना, सही बात है। और उधर कोई प्रॉब्लम हो, मैं आने के बाद दादी बीमार थी, दादी जल्दी जा नहीं सकते, कोई भी बात होएगा तो उनको जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करने जाना होगा, नीचे आके रुके मधुगुरु का लेके जाए। सही बात है, जान जी, जान जी। उनके अंदर दूरी से भी एक अपनापन थी, आजकल डेट में वो कोई किसी के साथ नहीं, नहीं जो बात है आजकल है ही नहीं किसी के अंदर, वो दोनों के बीच में दूरी भी रह गई, एक जिम्मेवारी थी, जिम्मेदारी थी। हाँ जी, आजकल वो जिम्मेवारी खत्म नहीं, वो दोनों अंडरस्टैंडिंग करके चलते थे, और उसके साथ साथ चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, जो प्रेमा जी श्यामा जी के साथ है, श्यामा जी प्रेमा जी के साथ है, हम मतलब हम दोनों की दादियाँ, मगर फिर भी वो वक्त आजकल जो हमारा कम्युनिटी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, मगर फिर भी मलाल है। आई होप अपकमिंग फ्यूचर इन या आने वाले दिनों में ज़रूर हम अपनी कम्युनिटी के अंदर, हमारे समुदाय के अंदर हम बदलाव लाएंगे,